आपका एक बार फिर से प्रियंका के साथ जो ना जायके के सफर में। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ ये बहुत कॉमन रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। सबके बनाने का तरीका अलग होता है, बनती ये सबके घरों में है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ राजमे की रेसिपी, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ। और ये जो मैंने सीखा कहाँ से है, राजमा बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं, लेकिन आप जहाँ जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ उसकी बनाने की स्पेशलिटी होती है। तो ये मैंने सीखा है J&K और पंजाब से। तो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ अपनी रेसिपी। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने राजमे को रात भर भिगो के रखा है और अब इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। घी का अमाउंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। राजमा अच्छे से फुला हुआ होना चाहिए। कुकर में करीब 1.25 लीटर पानी डाल के थोड़ा नमक, मिर्ची, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के इसे बॉयल होने के लिए 1.5 घंटे तक रख दें। ये अच्छे से बॉयल हो जाना चाहिए। साथ में थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची एक डाल के आप इसे बॉयल कर लें। राजमा बिल्कुल अच्छी तरह से, ये आप देखिए, ये मैं इसे ऐसे दबा रही हूँ, ये अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो ये राजमा हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया हुआ है। मैंने करीब इसको कम आंच पे 1.5 आवर रखा, एक तेज आंच पे विसल देके। आप इसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेके, लगभग इतना अमाउंट लेके इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मैश कर दूंगी, जिससे कि क्रीमी इसका टेक्सचर आता है और इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी आपको क्रीमी लगेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपने जितना राजमा लिया है उसका 1/3 आप ऐसे मैश कर देंगे। और इसके बाद हम इसके तड़के लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए इसको तड़का लगाने के लिए वो आपको है, टमाटर, इसका छिलका हटा के इसको ग्रेट कर लिया है मैंने, ये लगभग 2 बड़े टमाटर हैं। साथ में 2 बड़ा प्याज, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। ये अदरक, लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्च का पेस्ट है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। हींग आप बे लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में बे लीव्स बच्चे नहीं पसंद करते तो मैं नहीं डालती। साथ में जो मसाले हमें चाहिए, जीरा पाउडर 1 स्पून छोटा स्पून से, मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून क्योंकि हमने इसे बॉयल करते समय में भी इसमें मिर्ची डाली थी, और साथ में गरम मसाला, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी आप, अगर आपको बहुत स्ट्रांग फ्लेवर पसंद है गरम मसाले का तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच लिया है। और साथ में ये घी, आप ये घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, और या हाफ आप घी लें हाफ आप रिफाइंड ले लें, तो ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको तड़का लगाना। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं घी डालूंगी। घी का अमाउंट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ऐसे राजमा जो होता है घी में बना हुआ राजमा हो, या आपको जो दाल मखनी होती है ये बटर और घी में इनका स्वाद आता है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप रिफाइंड मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इसे आप घी में ही बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, आप हींग के साथ, मैंने जैसा पहले बताया था, आप बे लीव्स भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है आप डालें, मेरे घर में किसी को नहीं पसंद आता है तो मैं नहीं डालती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने हींग डाला और ये जैसे स्प्लिटर करना स्टार्ट करेगा, अब थोड़ा सा मैं वेट करूँगी, थोड़ा सा स्प्लिटर करेगा कलर, थोड़ा सा हींग का चेंज होगा, तो मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसका हल्का सा कलर इसका चेंज होगा, कलर चेंज होने के बाद हम इसमें टमाटर और प्याज डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। लहसुन डालते हैं कभी भी तो थोड़ा सा लहसुन चिपकता है, तो उस टाइम में आप थोड़ा सा फ्लेम इसको कम कर लें। और अब आप इसमें प्याज जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है ये प्याज डाल दीजिए, और साथ में ये टमाटर, थोड़ा सा इसे 2-3 मिनट तक हमें भूनना है। नमक हमने डाल दिया हुआ था पहले ही बॉयल करते टाइम में, लेकिन क्योंकि ये इन मसालों में नमक नहीं डाला है तो मैं थोड़ा सा अमाउंट प्रेफर करती हूँ अभी डालना, और आप उसी के अकॉर्डिंग आप जब राजमा बॉयल करते हो तो उसी हिसाब से नमक डालेंगे, कि 2 बार नमक डाल रहे हैं तो नमक अमाउंट आपके खाने में ज़्यादा ना हो जाए। लहसुन पहले चिपक रहा था, अब वो नहीं चिपक रहा है। लहसुन पहले डालने का सेंस ये होता है कि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो आप पहले डालोगे तो हल्का सा ब्राउन होगा, तो उसकी जो खुशबू है वो डिफरेंट आ जाती है, अदरवाइज आपके मसाले के साथ अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन आ जाता है। तो अभी इसे मैं 2-3 मिनट इसे भूनूंगी, और इसके बाद जो मैंने ड्राई मसाले रखे हुए हैं वो मैं डालूंगी।
पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हुए हैं। अभी ये प्याज जो है, अभी इसका प्याज और टमाटर का पानी है ही, इस टाइम में ही ये सूखे मसाले में डाल दूंगी और इसे अब हम तेल जब तक ये नहीं छोड़े तब तक इसे भूनेंगे। आँच आप जो है आँच आप उसकी ज़्यादा ही रखेंगे, फ्लेम अभी तेज ही रहेगा। अब इसमें सूखे मसाले डालने के बाद कुछ देर तक हम इसे भूनेंगे जब तक कि तेल नहीं छोड़ दे ये मसाला। फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। ओरिजिनली जो आप जम्मू एंड कश्मीर में जो राजमा मिलता है उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। वो छोटे छोटे राजमा होते हैं, जो देहाती राजमा वहाँ जब मैं थी और मैं यूज़ करती थी उसका टेस्ट और दूसरे मार्केट से खरीदे हुए राजमा में नहीं आता। तो ऐसा होता है, ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो जो फार्मर खुद से उगाते हैं बिना खाद बीज का यूज़ किए हुए, उसका स्वाद ही अलग होता है। इस राजमा के साथ आप बिना किसी फ्लेवर वाले चावल का यूज़ करेंगे, चावल जो नॉर्मल बासमती चावल आपके लॉन्ग ग्रेन वाले होते हैं वो आप खाइए, और साथ ही उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लीजिए। आप जैन के में जाएंगे तो वहाँ आपको इसके साथ राजमे के साथ अनारदाने की चटनी मिलती है। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है, वो बहुत ही यम लगता है। अब ये हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस स्टेज में हम इसमें जो राजमा हमने बॉयल करके रखा हुआ है उस राजमे को इसमें डाल देंगे। और इसको कम आंच पे करीब 10 मिनट तक हम मसालों के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे 15 मिनट हो गए हैं इनको मसाले के साथ पकते हुए राजमा को, और अब ये मेरा राजमा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी, ये पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ये क्रीमिनेस होनी चाहिए इस टाइम में इसको। और अब आप इसे धनिया पत्ता से गार्निश करें। खाने के समय में ऊपर से आप थोड़ा सा देसी घी डाल के खाएं, प्लेन सिंपल चावल के साथ ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। हमारा राजमा तैयार हो गया है, इसे आप गार्निश कर लें धनिया पत्ता से, साथ में ही अच्छे से भर के आप घी का डालें। घी कभी कभी तो खाया जा सकता है, और साथ ही आप इसे प्याज के लच्छे और नींबू के साथ सर्व करें, प्लेन राइस के साथ खाएं, बहुत ही यमी लगेगा। राजमा तो सब बनाते हैं, मेरे बनाने का तरीका ऐसा है। एक बार बनाएं ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक बार प्रियंका के साथ जोनार के सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।